काल के गाल में समा गए उस अतीत के वीरों को, अतीत के शहीदों को, अतीत के क्रांतिकारियों को, शहीदों को मैं नमन करता हूं। और उनके बदौलत जो आज हमने आजादी का यह सुकून पाया है, आजादी की यह सांस जो हमारे फेफड़ों के द्वारा हम लेकर के अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, उनके स्मृतियों को भूल करके हम शहादत का अपमान कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सभ्यता का अपमान कर रहे हैं, स्वयं का अपमान कर रहे हैं, पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। भारतीय वीर सपूतों, जागृत हो जाओ, कहीं विलंब न हो जाए। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1857 में ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था। यदि उस समय हिंदू समाज, हिंदुवादी संगठनाएं, हिंदुवादी संस्थाएं जो आज जैसी है उस समय भी थी, यदि उस समय में उन्हें सहयोग करती, उस समय के राजा जो अपना अहम का त्याग करके उस समय उस क्रांति की बिगुल में स्वयं को झोंक देते, तो हमारी लड़ाई 1857 में ही समाप्त हो जाती और हमारा हिंदुस्तान 1947 के बजाय 90 साल पहले ही आजाद हो चुका होता। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। मुझे ये लगता ही नहीं कि हम भारतवासी हैं। कहीं भी यह झलक दिखाई नहीं देती है कि आप में कोई हिंदुत्व बचा है, किसी नेताओं में हिंदुत्व बचा है। भारतवर्ष में एक ही पार्टी आज हिंदुत्व को लेकर के लड़ रही है, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए लालायित, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर रही है, और हम उन्हीं के कदम, उन्हीं के पैर खींचने की केकड़ा प्रवृत्ति को अभी भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी पार्टी का अनुयायी नहीं, भक्त नहीं, मित्र नहीं। जो व्यक्ति मेरे हिंदू हित की बात करेगा, मेरे भारत मां के गुण गाएगा, वंदे मातरम की जय बोलेगा, जो जय मां भारती का उद्घोष करेगा, वही मेरा मित्र है, वही सच्चा भारतीय है, और ऐसे भारतीयों के लिए तन मन धन सर्वस्व मेरा अर्पण होगा। आज वर्तमान में एक मूवी आ रही है, मैंने अपने लाइफ में 20 वर्षों में कभी मूवी का चित्रण सामने नहीं देखा। यह जो मोबाइल में आ जाता है उतना ही जानकारी मुझे प्राप्त होती है। तो एक संजय लीला भंसाली जो कच्छ से भागा हुआ, एक मुंबई में शरण लिया हुआ एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, व्यक्तिगत रूप से मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। तुम चाहे किसी भी भांड को नचाओ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। तुम कोई भी मूवी बनाओ, किसी भी हीरो को लेकर के पैसा कमाओ, जो करना है वो करिए, लेकिन हिंदू समाज का जो मखौल आपके द्वारा बार बार उड़ाया जाता है, शायद वह कहीं आपके लिए महंगा और घाटे का सौदा न हो जाए। क्योंकि हिंदू सोया हुआ नहीं है, वह जागृत है, मौके की तलाश में वो भी है। आप यह न समझो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ और आप लोग मजे उड़ाते हो, नहीं। कुछ लोग आज भी यहां वासुदेव बलवंत फड़के है, कुछ ऐसे भी भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु है, कई ऐसे चंद्रशेखर आजाद है जिनके मन में बहुत अग्नि जली हुई है, प्रज्वलित है। कही यह अग्नि भारत को रक्त रंजित प्रवाह के और न खींचे, उससे बेहतर मैं भारतीय सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक भिक्षा मांगता हूं। एक जोगी के, एक सन्यासी के झोली में यह भिक्षा अवश्य डाली जाएगी, यह मैं अपेक्षा करता हूं। यह जो पद्मावती जो मूवी आई हुई है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो एक डकैत था, एक लुटेरा था, उसका चित्रण जो पद्मिनी के साथ में किया हुआ है, वह हमें लज्जास्पद है। मैं उसका बखान, उसका शब्दों में स्पष्टीकरण भी नहीं कर सकता, उतनी मुझे लज्जा तो आती है। हिंदूवादी संगठनों से मैं इतना ही कहूं कि किसी भी हालात में 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस मूवी को रिलीज होने नहीं देना। जिस प्रकार से आपको इस मूवी का परित्याग कराना है वो करिए, क्योंकि यह हमारे हिंदुत्व की लड़ाई है, हमारे भारतीय सभ्यता का यह अनादर है, अपमान है, और इसे जो बर्दाश्त करेगा वह हिंदू नहीं है, वह हिंदूवादी नहीं है, वह हिंदुस्तानी नहीं है। हम हमारी माताओं का, हमारी बहनों का अपमान नहीं सहन कर सकते। यदि कोई गाली दे देता है हमें, माँ बहनों की, तो हम उसका सर काटने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी जो पद्मिनी माँ थी, हमारी पद्मावती महारानी थी, 16,000 स्त्रियों के साथ में उसने जौहर कर लिया, अग्निकांड में शामिल हो गई और अग्नि में अपने को, स्वयं को सुपुर्द कर दिया। चाहती तो विष खाकर के फांसी पर लटक करके आत्महत्या भी कर सकती थी, लेकिन उसने यही सोचा कि मेरे शरीर का स्पर्श भी अलाउद्दीन नहीं करे, और साथ साथ 16,000 स्त्रियों ने अपना जौहर कर लिया। उस जौहर शब्द को देख करके ही रोंग खड़े होते हैं
सुनकर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना साहस भरा होगा उन हमारी माताओं में। और उसका मजाक बनाने वाला ये जो मूवी है पद्मावती, इसका त्याग करना आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हिंदुओं का खून खोले उससे पहले इस मूवी को बैन कर दिया जाए। ऐसी कई मूवी है जिसको बैन किया गया है। एक दीपिका पादुकोण उसके ठुमके पर हम लोग तालियां बजाएंगे तो समझ लेना कि याद रखना हम हमारी माता के शील का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इन नचनियों को तो पैसा मिल जाता है, इनका आचरण इनका चरित्र किस तरह का होता है यह तो हम व्यक्तिगत रूप से और स्पष्ट रूप से जानते हैं, समझते हैं। और वह किरदार निभाते हैं एक महान आत्माओं का जिनका चरित्र इतना उज्जवल था और जिनका चरित्र ही नहीं है कुछ भी, वह चरित्र की भूमिका निभाकर हमारे भारतीय सभ्यता का अनादर करे यह बर्दाश्त के बाहर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितनी भी पार्टी आज वर्तमान में मौजूद है उन सभी से इतना ही प्रार्थना करता हूं, यदि आप में भारत माता के प्रति सत्य प्रेम है, आपको जनता का प्रेम चाहिए, हिंदुओं का प्रेम चाहिए, तो हिंदुओं के शीलों की सुरक्षा करना, हिंदुओं की मां बहनों की शीलों की सुरक्षा करना यह आपका कर्तव्य है। कहीं यह अग्नि प्रज्वलित होकर के आपके घरों को न जला दे। बस जय भारतनाथ, जय मां भारती।